लेकिन बोस के आरोपों को नहीं देखते। अगर उन आरोपों को देख ले तो शायद रापल जबकि सेना के हेड में था तब चीन हमारे ऊपर खतरा बना है, पाकिस्तान हमारे ऊपर खतरा बना है। हम अगर अपनी सेना को मजबूत नहीं करेंगे तो हम किसके सहारे, हमें अमेरिका को कभी हिंदुस्तान का दोस्त नहीं माना। मेरा हरदम रहा कि हिंदुस्तान का साथ सदैव दोस्त मिल गया है और हमारे विदेश नीति में दोस्तों का सुरक्षा था। मैंने हरदम कहा अमेरिका जिंदगी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दोस्त है। उससे मिसाइल खरीदने के लिए तो अमेरिका कह रहा हम प्रतिबंध लगाएंगे, ईरान से हम तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका कह रहा प्रतिबंध लगाएंगे। ये शायद नहीं जानते विश्व के लोग, चीन की भी लड़ाई में हिंदुस्तान के लोगों ने एक टाइम भोजन छोड़ दिया था लेकिन अपना सम्मान कभी झुकने नहीं दिया। पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को चोर कर सत्ता बारह चौकीदार चोर हो गया। अगर हम अपने प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे तो विश्व हमारी क्या हिम्मत देते। अगर हम अपने प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे प्रधानमंत्री चोर हो सकता है, मुख्यमंत्री चोर हो सकता है। अगर देश में ये कल्पना लोगों ने करनी शुरू कर दी तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? हमारा विरोध हो सकता है, हमारी तमाम नीतियों के विरोध हो सकता है लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को चोर कहें? मैं तो कहूंगा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा है उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और जब तक माफी न मांगे तब तक हमें उसको सबक सिखाना।